नमस्कार दोस्तों, शिवरंजनी हारमोनियम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि संगीत की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुझे YouTube से हर दिन लोग कॉल करते हैं, हर दिन पूछते रहते हैं कि दुनिया में सबसे बढ़िया हारमोनियम कौन सा है, कौन से रीड का हारमोनियम सबसे बढ़िया होता है, कितने लाइन के हारमोनियम सबसे अच्छी होती है। अलग अलग लोगों के अलग सारे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। कोई पूछते हैं हमारे छोटे बच्चे सीखते हैं उनके लिए सही हारमोनियम कौन सा है, कोई बोलते हैं हम गजल सीखते हैं हमारे लिए स्केल चेंजर हारमोनियम सही है या सादा हारमोनियम सही है, कोई बोलते हैं हम क्लासिकल का रियाज करते हैं तो कौन से रीड का हारमोनियम खरीदना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। हर किसी को लगता है हम हारमोनियम खरीदते समय अच्छे से अच्छा हारमोनियम खरीदे, और बहुत सारे लोग हारमोनियम खरीदते समय कंफ्यूज होते हैं। हर किसी को लगता है क्योंकि हारमोनियम ऐसी चीज नहीं, आज हम एक खरीदे कल एक दूसरा खरीदे परसों हम बदले, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हर किसी को ये प्रश्न पड़ता है तो पूछते रहते हैं। देखो दोस्तों, भले गाने के प्रकार अलग अलग है, जैसे कि गजल है, ठुमरी है, कवाली है, भक्ति गीत है, भावगीत है, भजन है, नाट्य संगीत है, क्लासिकल है, हिंदी सॉन्ग है, सूफी सॉन्ग है, भले गाने के प्रकार अलग अलग है लेकिन उन गाने के प्रकारों में एक चीज कॉमन है, वो चीज है रियाज। गाना हम कौन सा भी सीखते हैं, कौन सा भी गाते हैं, स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें घर में घंटों घंटों रियाज करना पड़ता है, और हम रियाज करते भी है, सालों साल रियाज करते हैं, जिंदगी भर रियाज करते हैं, लेकिन उसी रियाज के लिए सही हारमोनियम कौन सी होती है, उसी का जवाब मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो सवाल है बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, लेकिन मैं मेरे अनुभव के तौर पे मेरा खुद का ओपिनियन, मेरा अपना मत आपके सामने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रियाज के लिए सही हारमोनियम कौन सा ये देखेंगे। तो दोस्तों, सही हारमोनियम वो होता है जो सबसे सुरीली रहती है। हारमोनियम सुरीली होना यानी कि वो बार बार बेसुर नहीं होता है, बार बार ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता है, उसके सुर जो है कम ज्यादा नहीं होते हैं, हिलते नहीं है, उसको हम सुरीली हारमोनियम कहते हैं। अगर शास्त्र की भाषा में देखना चाहेंगे तो हम सुर की परिभाषा क्या है, सुर की डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। देखो, सुर की डेफिनेशन ये है, सुर की परिभाषा कि सुर की निश्चित ऊंचाई, उसके बाद कान को मधुर लगने वाला और लंबे समय तक टिकने वाला जो नाद होता है, संगीत उपयोगी ध्वनि होता है, उसको हम सुर कहते हैं। तो निश्चित ऊंचाई आने का, जैसे कि माने समझो हम एक सा गाते हैं, देखिए ये मेरे पास दो लाइन का जर्मन का हारमोनियम है, उस पर मैं आपको बता देता हूं। सा सा है, वो क्या है, अगर अपने आप ऊंचा हो जाता है, चढ़ जाता है या उतर जाता है, तो उसकी ऊंचाई क्या है, कम ज्यादा हो रही है। और कान को मधुर लगने वाला, देखिए बहुत बार कुछ कुछ लोग हारमोनियम ऐसा बजता है कि जोर से बजता है, लाउडली बोलता है, तो वो कान को मधुर नहीं लगता है, उसको भी हम स्वर नहीं कह सकते, सुर नहीं कह सकते। तीसरा जो है, लंबे समय तक टिकने वाला, यानी कि देखिए एक ये जो है, लंबे समय तक टिकने वाला यानी कि सा, उसकी जो आस है वो लंबे समय तक टिकना यानी सुर, सुर की जो डेफिनेशन है ये है। तो इस टाइप के हारमोनियम रियाज के लिए होनी चाहिए, सुरेली हारमोनियम होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें सुरेली ही हारमोनियम की क्या जरूरत है, हम तो बहुत सुर में गाते हैं तो कौन सा भी हारमोनियम रहे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं, गाना गाते हैं, हम माने हमारे पास दो हारमोनियम है, एक स्केल चेंजर हारमोनियम है वो स्टेज पे हम गाते हैं, और एक जो है रियाज की अलग हारमोनियम है घर में, तो हमारे गाने पे रियाज के हारमोनियम का ही प्रभाव रहता है। हमारे गाने पे जो संस्कार होते हैं वो रियाज के हारमोनियम के होते हैं, क्योंकि हम
रियाज करते समय एक ही लाइन बार बार बार, एक ही राग, एक ही आलाप बहुत बार गाते हैं, तो क्या होता है, वो जो हारमोनियम का प्रभाव जाने अनजाने में हमारे पे पड़ता है। जैसे कि देखिए, मैं एक गाना आपको बता देता हूँ। एक प्यार का नगमा है मोजो की नवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। देखिए दोस्तों, ये जो पहली लाइन है, एक प्यार का नगमा है, ये लाइन मैं अगर सीख रहा हूं तो ये लाइन मैं बार 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 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार गाऊंगा, उसका रियाज मैं करूंगा। तो उसमें क्या है, एक प्यार का नगमा है। देखिए, मैंने जो एफ शार्प में काली तीन में गाया है, तो लास्ट में मैं जहां पे रुक रहा हूं, एक प्यार का नगमा है, एफ शार्प काली तीन के गंधार पे रुक रहा हूं। अगर वो मेरा गंधार हिलने वाला रहेगा, कम ज्यादा होने वाला रहेगा, तो मेरा आवाज भी जाने अनजाने में उसके साथ हिलेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे पास जो हारमोनियम है वो न हिलने वाला चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने वाला चाहिए, वो स्थिर अपनी जगह पे सही होना चाहिए। जैसे कि हम ट्यून करते समय एक जगह पे सुर को छोड़ देते हैं, उसी जगह पे रहना चाहिए और उसको हम सुरीली हारमोनियम कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इसीलिए हमें जरूरी है कि वो हारमोनियम हमारे गाने पे प्रभाव, उस हारमोनियम का हमारे गले पे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमें अच्छी ही हारमोनियम होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, जरूर जरूर फर्क, 1-2%, 10%, 25% फर्क पड़ता ही है, इसीलिए हमें सुरीली ही हारमोनियम होनी चाहिए। तीसरा जो कारण है, तीसरा हम सोचेंगे कि सुरीली हारमोनियम कैसे बनती है। देखिए दोस्तों, सुरीली हारमोनियम बनने के तीन कारण है। सबसे पहला जो कारण है, हमारे भाता लगाने का तरीका, हम भाता कैसे लगा देते हैं, तो उसके लिए मैं एक बात बता देता हूं। बहुत बार क्या होता है, एक दो लाइन की हॉरिजॉन्टल हारमोनियम रहती है स्टूडेंट को सीखने के लिए, क्लास में टीचर लोग उसको यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम सर्विसिंग करके लेते हैं, ट्यूनिंग हाफ फिटिंग करके लेते हैं, लेकिन उस समय हम चेक करते हैं तो तानपुरे में परफेक्ट होती है, लेकिन हम घर पे क्लास में यूज करते हैं तो कोई नए स्टूडेंट के हाथ में देते हैं और वो बजाता है, और तानपुरा अगर चालू रहेगा तो हमें क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बेसुरा लगेगा। हम सोचेंगे कि हारमोनियम तो मैंने सही तरीके से चेक किया था, ट्यूनिंग किया था, लेकिन ये हारमोनियम बेसुरा क्यों लग रहा है। तो उसका कारण होता है दोस्तों कि जो नए स्टूडेंट है वो भाता ज्यादा लगाते थे, कोई कम लगा देता है, कोई ज्यादा भाता लगा देते हैं, तो क्या है, हारमोनियम उतर जाती है, थोड़ी सी सुर को कम लगेगी, और कोई स्टूडेंट है सीखते समय वो क्या है, सारे गाँव बजाते समय वो उनका ध्यान बटन के तरफ रहेगा, ये की के तरफ रहेगा, तो भाता कम लगा देते हैं, तो उस समय वो हारमोनियम चढ़ा हुआ लगेगा। तो ये कारण है हारमोनियम चढ़ने का और उतारने का, पहला कारण ये है। दूसरा जो कारण है, देखिए सुर का मेटल, हमारे पास जो हारमोनियम है उसमें सुर कौन सा है, उसका मेटल कैसा है, उसका धातु कैसा है, इसीलिए बहुत बार सुना होगा कि पुराने हारमोनियम अच्छे होती है। पुराने हारमोनियम के सुर बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि जर्मन है, पेरिस है, कुक्कड़ है, वालुकड़े, भावनगर है, एमपी मिस्त्री पालिटाना है, जुपिटर है, जुपिटर गोल्ड है, सिस्टम पेरिस है, ऐसे बहुत सारे पुरानी कंपनियां है, जीवनलाल कांजी मिस्त्री है, तो उनके सुर, उनका मेटल जो बहुत अच्छा रहता है और वो हिलता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है, सालों के बाद भी अगर हम हारमोनियम बजा देते हैं तो सुर में ही बजती है, उसका कारण क्या है, वो मेटल। और तीसरा जो कारण है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे हारमोनियम का मॉडल कौन सा है। अगर समझो हम क्या करते हैं, भाता भी अच्छे से लगा देते हैं, कि समझो हम रियाज करते हैं 15-20 दिन में भाता अपने आप हाथ में सेट हो जाता है, और हम सुर भी अच्छे खरीद के उसमें लगा देते हैं, लेकिन हमारा मॉडल गलत हो जाएगा हारमोनियम का, तो भी हमारी हारमोनियम बेसुरी होने वाली है। जैसे कि समझो हमने जर्मन का सुर लिया और हम भाता भी अच्छा लगा देते हैं, लेकिन वो सुर अगर
हॉरिजॉन्टल हारमोनियम में यूज किया, दोनों दोनों फ्लैट रहेंगे तो वो लाउड तो जरूर बोलेगा लेकिन वो हारमोनियम पक्का हिलेगा, उस सुर में कम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए सबसे मेरे हिसाब से, मेरे अंदाज से, मेरे अनुभव से, सबसे दुनिया में सबसे अच्छे हारमोनियम रियाज के लिए वो है कि दो लाइन की बॉम्बे मिड की वर्टिकल हारमोनियम। उसमें क्या होता है, दोनों दोनों रीड बोर्ड खड़ी कंगी रहती है और उसमें हम अगर अच्छा कोई रीड यूज करेंगे, जैसे कि जर्मन, देखो जर्मन दुनिया में बहुत पॉपुलर है, जर्मन कंट्री का है, उसके बाद पेरिस है, मेड इन फ्रांस का है, और बाकी के जो रीड है वो खुशी की बात है हमारे इंडिया के है। और आपको बता देता हूं मैं, मेरा अनुभव ऐसा है कि जर्मन पेरिस से 10 गुना कुछ हमारे रीड ऐसे है कि जर्मन पेरिस से भी कई गुना अच्छे है। जैसे कि मानो आलूकड़े, कुकड़े, भावनगर है, एमटी मिस्त्री है, ये रीड का मेटल इनका बहुत अच्छा है और जर्मन पेरिस से भी अच्छा है, लेकिन हमें उसके लिए उनको समझना भी जरूरी है। मैं एक आधा वीडियो आपको बाद में बना के उसमें सारी डिटेल दे दूंगा, लेकिन अभी के समय के लिए हम इतना ही है कि अच्छे रीड की और वर्टिकल मॉडल में और भाता हम सही तरीके से लगाएंगे तो वो सुरीली हारमोनियम होती है। दुनिया की सबसे सुरीली हारमोनियम मेरे नजर में दो लाइन की वर्टिकल हारमोनियम है। और आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े स्टेज पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे कि जो क्लासिकल के प्रोग्राम रहते हैं या तो समझो कि सोलो वादन रहता है हारमोनियम का, उसमें आपको ज्यादातर वर्टिकल बॉम्बे मिड की दो लाइन की वर्टिकल हारमोनियम नजर आएगी। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो हम भाता भी सही तरीके से लगाएंगे और रीड भी अच्छे यूज करेंगे और मॉडल दो लाइन का 4/4 सप्तक का हारमोनियम खरीदेंगे तो वो रियाज के लिए दुनिया में सबसे बढ़िया हारमोनियम है। आप उसका अनुभव करके देखिए, भले हमें अच्छा नहीं लगता हो, क्या है बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें स्केल चेंजर हारमोनियम अच्छा लगता है, तो जरूर लेना चाहिए, स्केल चेंजर रखना ही चाहिए, लेकिन रियाज के लिए हमें क्या अच्छा लगता है इससे इससे इम्पोर्टेंट है कि रियाज के लिए सही क्या है और ये हारमोनियम यूज करनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, आपको अच्छा लगे तो जरूर आप उसको इस तरीके को यूज कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, उसके बाद अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे पॉसिबल रहेगा तो मैं आपको उसका वीडियो बना के आपको समझाने की बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल जाए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।